मैं सबकी इज्जत करता हूं और मेरी सियासत की बुनियाद लोगों का एहतराम से, मेरी सियासत की बुनियाद किसी पे तनकीद करके उसको गालियां देने के लिए सियासत नहीं होती। लेकिन जहां इलाके के लोगों के मसाइल की बात आती है, हमने असेंबली में टेबल भी तोड़े, माइकें भी तोड़ी, जख्मी भी हुए, अपने लोगों के लिए लड़े। मैं ये बात कह सकता हूं कि आप लोगों ने हिंदुस्तान को 10 साल असेंबली में रहने का मौका दिया। मैं अपने जमीन से ये बात कह सकता हूं कि मैंने 10 साल में इस इलाके के लोगों के साथ इंसाफ किया। मुझे कोई तामीर और तरक्की के हवाले से सबकना पड़ा है। जुल्फकार ने जब सियासत शुरू की थी तो वो 14 घंटे पैदल चलता था इस इलाके में। आज कौन सा गांव है जिस गांव में सड़क नहीं? मुझे बुद्धन कांस्टेंसी का एक गांव बताओ जिसमें सड़क नहीं। कोई मोड़ा रह सकता है लेकिन भाई एंड ऑल कोई गांव सड़क के बिना नहीं। आप गुंडा चले जाओ तो आपको गाड़ी मिलेगी, आप केरी चले जाओ तो आपको गाड़ी मिलेगी, आप कंथोल चले जाओ तो आपको गाड़ी मिलेगी, आप गद्योग जाओ तो आपको गाड़ी मिलेगी, आप बेई जंगल जाओ तो आपको गाड़ी मिलेगी, आप चरगाई गोतू लठी जाओ आपको गाड़ी मिलेगी, आप कांगड़ा जाओ आपको गाड़ी मिलेगी। छोटे कामों को गिनने की जरूरत क्या है? इस आनस नाले की बात करें तो कोड़ी हिल जैसी जगह में जहां लोग बह बह के मर जाते थे, हमने कोड़ी हिल में भी जाके पुल बनाया है, हमने कनेखी में पुल बनाया है। वो किसी और ने तो नहीं बनाया जनाब। ये खवास रोड जो 50 साल से नहीं बन रही थी, ये जुल्फकार के टाइम में ये सड़क बनी है। कोटरंका में एडिशनल डीसी लाया तो जुल्फकार ने लाया और किसी ने नहीं लाया। और एक एडिशनल डीसी कोटरंका के लिए हमने 4 एडिशनल डीसी दिए हैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी को। अब कोई कहे जुल्फकार ने काम नहीं किया तो मुझे ये बात हजम नहीं। हम लोग यहां एक मरला जमीन को तरसते हैं, आपके सामने 14 कनाल जमीन शहर के दिल में ईदगाह के लिए जुल्फकार में आपको दी है। किसी दूसरे का कोई रोल नहीं है। हमारी बच्चियों को पढ़ने के लिए या बुद्धन जाना था या रजौरी जाना था, आपके यहां डिग्री कॉलेज जुल्फकार ने दिया है। 3 दर्जन से ज्यादा हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल बुद्धन कांस्टेंसी में जुल्फकार ने बनाए हैं। 250 के करीब प्राइमरी और मिडिल स्कूल मैंने आपकी कांस्टेंसी में बनाए हैं पिछले 10 साल से। पिछले 6 साल से मैं सरकार में नहीं, मैं आपका नुमाइंदा नहीं, एक प्राइमरी स्कूल आपके इलाके में नहीं खुला है, एक मिडिल स्कूल आपके इलाके में नहीं बना है, एक हाई स्कूल आपके इलाके में नहीं बना है। मैं तो जनाब डिग्री कॉलेज लाके छोड़ गया था, 6 साल में डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग नहीं बन पाई आज तक। इतने सालों से लटका हुआ आनस इरीगेशन प्रोजेक्ट 76 करोड़ रुपया मैं लेके आया और उस प्रोजेक्ट का काम शुरू किया। आज 6 सालों से वो प्रोजेक्ट रास्ते में छोड़ा हुआ है। इको टूरिज्म पार्क मैंने यहां पे शुरू की, अम्यूजमेंट पार्क यहां पे मैंने शुरू की, डिस्ट्रिक्ट में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम आया था, मैंने डिस्ट्रिक्ट का स्पोर्ट्स स्टेडियम उठाया और आपके लिए यहां लाया। गुजर हॉस्टल मैंने आपके लिए यहां दिया।
इकलेरिया स्कूल मैंने आपके लिए यहां पे दिया, बिजली घर घर मैंने आपके घरों में पहुंचाई। आंखें बंद करके जरा अपने जमीर से सोचिएगा कि जुल्फकार ने आपके लिए क्या किया है और क्या है। अगर कोई ये कहे कि जुल्फकार और जुल्फकार के बाप ने यहां पे कुछ नहीं किया तो फिर दिल को कहीं ना कहीं चौका लगती है। और मेरा इस चीज पे पूरा यकीन है, मैं सियासत को इबादत समझता हूं और मैंने सियासत में जिस दिन मैं आया था, मैं एमएलए बनने के लिए नहीं आया था, मैं जिस दिन सियासत में आया था, मैं सियासत को एक पाक पेशा समझ के आया था कि मैं आवाम की खिदमत करूं। कोई मेरे से खुश हो या कोई मेरे से नाराज हो, मेरे लिए ये मायना नहीं रखता। कोई मुझे फेसबुक पे गालियां लिखे या कोई ग्रुप में मुझे गालियां देता रहे, जुल्फकार को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क अगर पड़ता है तो आपके अपने जमीर से पड़ता। अगर मैंने आपके लिए कुछ ना किया होता तो मेरा जमीर जो है वो मुझे झंझोड़ता कि मैं आज कौन सा मुंह लेके आपके पास हूं। लेकिन मेरा जमीर जिंदा है, मेरा जमीर में मुआसबा करता हूं अपने जमीर का। मैं जब रात को इस इलाके से चलता हूं तो मैं जब पंजाब की चोटी पे बिजली का बल्ब जलते हुए देखता हूं, मेरा दिल सुकून से भर जाता है। मुझे सुकून की नींद आती है रात को। मैंने वो दिन देखे, मुझे आईना दिखाने वालों को मैं ये आईना दिखाना चाहता हूं। मैंने वो दिन देखे हैं जब हम तीनी बार के यहां जिया करते थे। मैंने वो दिन देखे हैं यहां जब मिट्टी के तेल के दिए से